विषय ऐसा है कि एक 8-10 दिनों से मालेगांव शहर के अंदर पानी सप्लाई का मामला खड़ा हो गया है। जो रोटेशन था पूरे शहर का पानी का, बिजली के कारण के वजह से जो हमारा सबस्टेशन है, सबस्टेशन पे हमारे को लगती है गिरना। सबस्टेशन जो है हमारा 4 से 5 पंप चलाने के लिए हमारे को 33 मेगावाट बिजली लगती है, लेकिन सिर्फ 29 मेगावाट बिजली की सप्लाई हो रही है अभी महावितरण कंपनी की ओर से। और उसके वजह से हमारे 5 पंप के बजाय 2 ही पंप चल पा रहे हैं, आधी पावर रहती है। और पानी उठाने के अंदर, पंपिंग करने के अंदर उसको कमी पड़ रहा है, पानी कम आ रहा है। और मालेगांव शहरियों को जो 2-3-4 दिन के आड़े पानी आ रहा है, कॉरपोरेशन अपना बिजली बिल बराबर इनको अदा करती है, बल्कि मंथली कम से कम 45 से 50 लाख रुपया बिजली बिल कॉरपोरेशन की ओर से इनको दिया जाता है, साल का 6 करोड़ रुपया करीब करीब। लेकिन मुझे जो मालूमात मिली वो एग्रीकल्चर को बिजली की सप्लाई ज़्यादा दी जा रही है ग्रामीण भाग में। इन लोगों का बोलना है ऊपर से वो मामला कुछ चल रहा है, जो मैंने मालूमात लिया। और उसके वजह से हमको बिजली कम मिल रही है, और मालेगांव शहर का पानी का सप्लाई का मसला जो है, जो एक दिन आड़े डेली लोगों के टाइमिंग के ऊपर जो पानी आता था, आज वो 2-4 दिनों के आड़ पानी मिलने लगा है। शहरियान उसके वजह से परेशान है। आज मेरी आयुक्तों से भी बात हुई, आयुक्त तो इत्तेफाक से नासिक में थे, वो जाके कलेक्टर से उन्होंने मुलाकात की, कलेक्टर से भी उन्होंने संपर्क करने के बाद कलेक्टर भी वहाँ बात करने वाले। ऊपर महावितरण कंपनी के चीफ इंजीनियर जो है नासिक के, उनसे भी हमारे कॉरपोरेशन के लोगों ने पत्र व्यवहार किया। उन्होंने ये बोला कि और 8-10 दिन 15 दिन लग सकता है, जो मालूमात आ रही है। मैं जो निवेदन देने के लिए आया था शहरियों की ओर से, कि अगर शुक्रवार शनिवार रविवार तक अगर ये मसला क्लियर नहीं किया गया, सोमवार के दिन 11 बजे से मैं यहाँ पे धरना आंदोलन करूँगा कार्यकर्ताओं के साथ में, कानून में रह के, मास्क लगा के, कानून का उल्लंघन ना करते हुए। यहाँ पे मेरा आंदोलन सोमवार से 11 बजे शुरू हो जाएगा, अगर इन्होंने 4 दिनों के अंदर जो हमको 33 मेगावाट बिजली वहाँ चाहिए सबस्टेशन गिरना के सबस्टेशन के ऊपर, जहाँ से मालेगांव वालों के लिए पानी सप्लाई होता है, वो दिक्कत हमारी इनकी जवाबदारी है, उन्हें दूर करना चाहिए। क्योंकि ना हमको बिजली का बिल इनको कम देते हैं, ना ये कम करते हैं। हमारा साल का 6 करोड़ रुपया इनको करीब भरना होता है। इसके लिए मैंने इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, भामरे साहब से बात की, लेकिन वो जोड़का की तरफ कई विजिट के ऊपर से वो अभी इस वक्त तो नहीं आ सके। उनके प्रतिनिधि यहाँ पर है, उनको ये निवेदन मैं सौंप रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इतवार तक शाम तक ये ऊपरी लेवल पे, चाहे इनके चीफ इंजीनियर और नासिक के पूरे, उनसे और जहाँ जहाँ से भी मसाइल इसके हल हो सकते, इन्होंने इसको हल करने की कोशिश करना चाहिए, यही मेरी इनसे कहना है। और इन्होंने मेरा निवेदन लिया और मैंने मालेगांव करों की तरफ से ये निवेदन दिया। मतलब जो साहब ने अभी निवेदन दिया, इस पर कामकाज जल्दी शुरू होगा? बिल्कुल, सर ने जो निवेदन दिया है उसके ऊपर में हम युद्ध स्तर पे हम कामकाज दखल देंगे, और जो भी इसमें तकनीकी खामी होंगी। तो नाम है वो? जी, मेरा नाम अल्केश अग्रवाल है, अल्केश अग्रवाल। काय पद है तुम्हें? हाँ जी, मैं सहायक अभियंता है। अच्छा, हाँ सर बोलिए। सर ने जो हमें निवेदन दिया है उसके ऊपर में बिल्कुल हम युद्ध स्तर के ऊपर में हम एक्शन लेंगे,
और जो भी तकनीकी खामी होंगी जिस रिगार्डिंग पे जो वोल्टेज का प्रॉब्लम आ रहा है वो इशू हम बिल्कुल युद्ध स्तर के ऊपर में हम उस पर कार्रवाई की जाएंगी। मतलब सर को यहाँ पर धरना देने की ज़रूरत नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आएंगी, ऐसी कोई हम नौबत आने नहीं देंगे, हम इसकी पूरी युद्ध स्तर पर हम काम करेंगे।